वर्ष के आखिरी रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से मन की बात की। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रविवार को रामगढ़ताल स्थित नौकायन के मुख्य द्वार पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के नागरिकों से अपना विचार साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र तथा उनकी माता के शहादत पर उनको नमन किया। कहा कि साहिबजादों के शहादत ने देश को नई सीख दी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में किए गए कार्यों को लोगों से साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चार दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है, अब अगली मन की बात 2021 में होगी। उन्होंने कहा कि देश में आत्मनिर्भरता नाम से नया सामर्थ्य पैदा हुआ है, जो नए साल में लोगों को नया भारत दिखाएगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, करता हूं देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में यह हो जो भी ग्लोबल बेस्ट है वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप को भी आगे आना है। एक बार फिर और बढ़ाते ही रहना है। मैंने पहले भी कहा है, देखिए कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है, एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब एक सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। इसी महीने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। एक बार फिर मैं जी और चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करता हूं। ऐसे ही अनेकों शहादतों ने भारत के आज के स्वरूप को बचाए रखा है, बनाए रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं कैसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको सर मन की बात कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया है, क्या पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और देश के नागरिकगण, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब
हर महीने के आखिर रविवार को मन की बात कहते हैं। देश भर में बहुत सारे ऐसे उदाहरण, देश भर में बहुत सारे लोग अपने अनुभव उनसे साझा करते हैं, पत्र के माध्यम से साझा करते हैं। उन सब का जिक्र प्रधानमंत्री जी करते हैं और उसी के क्रम में 2020 के आखिरी मन की बात को संबोधित आज उन्होंने किया है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष रणजीत राय बड़े जी हैं यहाँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी टीम है यहाँ पर, उसी कार्यक्रम के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम लोगों ने सुना है।